टॉपिक रो स्टार्ट करिबा दैट इज योर रैंडम वेरिएबल तो गोटे प्रोबेबिलिटी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ये वीडियो देखियो अगर स्टूडेंट फर्स्ट तुम प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन चैप्टर टा देखो सोटा हमरा ऑलरेडी अपलोड हो सारछि ला तापर तुम रैंडम वेरिएबल बुझ पारो स्टूडेंट बुझ पालो काई सेटा पर ऑलरेडी यहां त लिंक अछि बुझ पालो तो चलो स्टूडेंट देखो रैंडम वेरिएबल रो बुझे अगर तो फर्स्ट को जे यार थ्योरी अपेक्षा तुम न्यूमेरिकल बेसी बुझो सेटा ही इंपोर्टेंट काई देखो फर्स्ट तो पहले तुम थ्योरेटिकल किसी तो आसीबे एग्जाम रे हला नेक्स्ट होला तुम थ्योरेटिकल अपेक्षा न्यूमेरिकल बुझबाटा बहुत इजी हो बुझ पालो स्टूडेंट काई थ्योरेटिकल टिके प्रॉब्लम अछि हला तो सही जे तुम न्यूमेरिकल बुझे तो थ्योरेटिकल तुम आराम से बुझि जेबो हला तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट थोड़ी डेफिनेशन को आसे रैंडम वेरिएबल तो रैंडम वेरिएबल माने कोन डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट वेरिएबल को हम जे कोन कहू छ रैंडम वेरिएबल ए रैंडम वेरिएबल इज ए न्यूमेरिकली वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सैंपल स्पेस S तो सैंपल स्पेस कौन स्टूडेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए केसेस हला जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं सैंपल स्पेस कौन है क्लियरली डिफाइन कराई छी इट इज द रूल दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बुझ पर स्टूडेंट इडिया में कौन प्रोबेबिलिटी हम कौन टोटल रो एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लो जब गोटे एक्सपेरिमेंट करलु तो तार टोटल पॉसिबल चांस केते इडिया हम जंतु ईच केस रो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल चांसेस केते सेटा कैलकुलेट करबा तो ईच पॉसिबल वैल्यू को हम कौन कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल बुझ पर स्टूडेंट और ताको हम को फॉर्मेट रिप्रेजेंट करबा टेबुलर फॉर्मेट रे याको ही कहती तमरा कौन स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हला द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स तो हम रैंडम वेरिएबल को हम कोसे डिनोट करछु कैपिटल एक्स रे डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यूज x1 x2 x3 .xn तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट वेरिएबल को हम x1 x2 x3 .xn व्हिच टेक्स द रैंडम वेरिएबल्स एज टेकन हला तो हम TCS x हला तो हम डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स को हम इस हिसाब से x1 x2 x3 दीस आर नॉट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हला दिस रिस्पेक्ट टू पॉसिबिलिटीज अभी तार पॉसिबल चांसेस के को हम कौन लेछु तो स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल को हम कौन लेछु x1 x2 x3 कॉरेस्पोंडिंग ओनली पॉसिबल पॉसिबिलिटीज को हम कौन लेछु p1 p2 .pn बुझ पर स्टूडेंट तो केसेस को हम x1 लेछु यदि x1 होछ केस तो पॉसिबल चांसेस होछ p1 यदि x2 होछ केस तो पॉसिबल चांसेस होछ p2 सेम थिंग इफ n नंबर ऑफ केसेस होछ तो n नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस होछ हला एबे से दिए एदिटा कंडीशन को सैटिस्फाई करियो फर्स्ट कंडीशन p ऑफ i और p ऑफ xi इज इक्वल टू xi सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज p ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आसे कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नो है नेक्स्ट लिखा है कि नॉन नेगेटिव ना तो समेशन ऑफ pi समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n pi इज इक्वल टू 1 तो टोटल पॉसिबल चांसेस को ऐड करले सगळे 1 आसो हम एटा बेस थ्योरम नु अपडेट पढ सके सब टोटल पॉसिबल केस को ऐड करले 1 आसतले हला चलो एबे तो किमे टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करबा यदि पॉसिबल केस कोन छी x1 तो ताको हम पॉसिबल सॉरी x1 हो यदि केस है तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हम p1 यदि x2 हो छी केस तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो छी x p2 से हिसाब रे कॉरेस्पोंडिंगली हम टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करबा तो क्वेश्चन करले तुम आराम से बुझि जेबो तो फर्स्ट वन वीडियो पॉज कर दिए थ्योरी नोट डाउन कर दिया तो चलो स्टूडेंट देखियो हम प्रोबेबिलिटी कोन कोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन तो गोटे कॉइन को मैं दिसर टॉस करलु तो नंबर ऑफ हेड्स आसीर चांसेस केते फर्स्ट स्टूडेंट एडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड करे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हला तो फर्स्ट एकदम फर्स्ट सैंपल स्पेस फाइंड कर दो द सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइंस इज तो इसके तो स्टूडेंट हेड हेड एच टी टी एच टी टी तो एस रो मोड केते गला हम स्टूडेंट 4 बुझ पर स्टूडेंट तो फाइव करना सैंपल स्पेस स्टार्ट करले नेक्स्ट हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस एंड एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स है ना एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स है ना तो देखो स्टूडेंट तो नंबर ऑफ हेड्स कौन कौन आसीबो फर्स्ट यदि हम नोचू एक्स इज इक्वल टू पी x is equal to 0 means no head x is equal to 0 means no head hala to no head code is tt re so that is your tt to kon aise to student 1 by 4 which one student 1 eta hala 1 out by total then change the probability find kare je to p x is equal to 1 hala x is equal to 1 to x is equal to 1 mane gote head code is eti ht out th re to ht out th तो ये कितना हो स्टूडेंट एच टी टी तो 2 बाय 4 तो दैट इज योर 1 बाय 2 नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 2 व्हिच वन स्टूडेंट ये एक्स इज इक्वल टू जो 0 1 2 व्हिच पर चलता कोई चीज
probability distribution number of threads of two tosses of the coin. Two tosses of the coin, output as such acta, the possible cases con as per number of threads either 0 head as per, number 1 head as per, number 2 head as per. So, is that right? x is equal to 2 means beta head. So, beta head could be h, only h. तो कहता हूँ 1/4 कुछ पर स्टूडेंट एबे याको सब काम हमरा टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करे ता कोनी हमरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दे हैला सो जो सब टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगा हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो केंद्र रिफ्रेश कर देखा एड लिखियो x एड लिखियो p ऑफ x हला तो x रूप में 0 आसीबो 1 आसीबो 2 आसीबो तो p ऑफ हला तो ये होस तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो कौन खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इसका तो टेबल ने रिप्रेजेंट करे चाहो ये किसी की करे रिप्रेजेंट करे ना हला तो p x जतला 0 हला x जतला 0 हला तो आंसर कितना आसला 1/4 x जतला 1 हला तो आंसर कितना आसला 1/2 x जतला 2 हला आंसर कितना आसला 1/4 तो बुझ पालो सिंपल स्टूडेंट ये हो चाहो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बुझ पालो स्टूडेंट तो वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर दियो तो हमें सेम क्वेश्चन को टिके चेंज कर लिया नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन कर लिया है ना स्टूडेंट 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन है ना वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर दियो चलो स्टूडेंट तो 6 टॉसेस ऑफ अ कॉइन है कौन करेगा तो सैंपल स्पेस कहता हो s इज इक्वल टू h h h h t h तो टोटल कितना है 8 आसीओ टाइम कॉइन में फॉर्मूला 2 टू द n तो 2 रो क्यू 8 h h t t h h तब पर वाला t t h t h t t h t t t h है वाला अब t t t उठे रहेगा आप कौन छोड़ा इसे क्लियर स्टूडेंट H T H H H T T T H T H H H H T हाँ आप बोलते H H T कुछ वाला स्टूडेंट तो टोटल कितने असला एस रा मोड कितने गलत तो टोटल स्टूडेंट 8 कुछ वाला स्टूडेंट H H H H T H H H T T H H T T H T H T तब रह गया तो H H T हला ना H H T डर डबल है गला आप उठे कौन था फिर स्टूडेंट टीएचटी एचटीटी एचटीटी उठे ऐसे हुआ है ना एक लाख का स्टूडेंट है ना चलो अबे लेट एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स हेड्स तो ये पॉसिबल केसेस कौन है स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पी एक्स इक्वल टू जीरो p x is equal to 0 p x is equal to 1 p x is equal to 2 p x is equal to 3 तीन केसेस हो काय हेड नो हेड एस पर 1 हेड एस पर 2 हेड एस पर 3 हेड एस पर हैला तो नो हेड माने ए टाइम्स तो हमारा नो हेड तो टी 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 तो कितना स्टूडेंट 1 मोटे अच्छे और टोटल हो चाहिए तो 1/8 1 हेड तो स्टूडेंट 1 हेड कोटी अच्छे तो 1 हेड कोटा पहले माने इटा होच हमर 1 हेड इटा होच 1 हेड और इटा होच 1 हेड हला तो 1 हेड कोटा माने टी टी एच टी एच टी एच टी टी कुछ फॉर स्टूडेंट तो टोटल कितना गेला 3/8 काउंट कर दो 1 2 3 और बाय टोटल हला एस एक्स इज इक्वल टू 2 माने 2 हेड तो देखो स्टूडेंट 2 हेड कोठी अछि 2 हेड देखो स्टूडेंट एठी एच टी एच HHT, HHT, THH. लेकिन स्टूडेंट THH. तो ये भी कितना है स्टूडेंट 1, 2, 3. तो ये भी कितना है स्टूडेंट 3/8. है ना? नेक्स्ट x इक्वल टू 3. तो हमारा नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 3. नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 3 को कैसे? एक बोलते हैं क्या बोला? तो 1, सॉरी. HHH. तो कितना है स्टूडेंट 1/8. है ना? ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं. नाउ द probability of distribution represented as so, x, that is for a p of x.
तो केस कौन आसला जीरो वन टू आउ थ्री हाँ देख जो एक्स इक्वल टू जीरो थी तो एक्स इक्वल टू जीरो है हम कितने आसछि 1 बाय 8 एक्स इक्वल टू 1 है एक्स इक्वल टू 1 आसले 3 बाय 8 एक्स इक्वल टू 2 है एक्स इक्वल टू 2 है 3 बाय 8 अब एक्स इक्वल टू 3 है तो 1 बाय 8 ना तो गोटे जिनस मन रखा सदा एटा ऐड करियो देखो यदि मु एटा को कहि p ऑफ x1 एटा जदि कहि p ऑफ x2 p ऑफ x3 p ऑफ x4 सदा मन रखा स्टूडेंट समेशन ऑफ P of x1, P of x2, P of x3, P of x4 is equal to 1 as well. So check for this friend. 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, 1 by 8. The LCM is 8, 1 plus 3 plus 3 plus 1. So 3 times 6 is 8. So 8 by 8. The answer is student 1. तो यदि आंसर वन आसे तो हमरा ठीक अछि बुझ पाला फ्रेंड ये ला हमरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रे क्वेश्चन हला तो वीडियो पॉज करी नोट डाउन कर दियो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखवा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 6 एस इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाई तो डाई माने गुटे लूडो गुटे अछि तो लूडो गुटे हमरा कोन कोन आस पर स्टूडेंट लूडो गुटे हमरा 1 2 3 4 5 6 हला एथि एथि आसे ऑब्जेक्शन आ या फ्रेंड हला तो कौन कुछ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 6 एस 6 एस योर चांस के कर स्टूडेंट बुझ पाला फ्रेंड और 3 कर टॉसेस ऑफ ए कॉइन हैला तो फर्स्ट हम कौन करछे नाउ द टोटल सैंपल स्पेस तो तीनटा कॉइन है सॉरी तीनटा लूडो डाई अछि तो 6 रो क्यू तो 216 हैला एटा केला सैंपल स्पेस हे गेला एबे एक्स डिनोट द नंबर ऑफ 6 एस तो नंबर ऑफ 6 एस कौन पास करे आइदर कौन कौन केसेस इज पर आइदर 0 6 एस आस परे 6 आसीबो नि तो क्वेश्चन को ध्यान से बुझो स्टूडेंट माने तीनटा लूडो गुटी अछि तुम पगरे हैला तो लूडो गुटी को तुम पकोछो तीनटा लूडो गुटी छि इंडिविजुअली तो एबे जे तुम x 0 कहि है तो फर्स्ट मते को 6 आसीबार चांस केते हैला तो माने तुम 6 आसीबे तुम विन करछ तो 6 आसीबार चांस केते तो केवल तुम 6 आसीबे जितिवो तो 6 आसीबार चांस केते होछ 1 बाय 6 तो 6 आसीबार चांस केते स्टूडेंट 1 बाय 6 और 6 नो आसीबार चांस केते 6 नो आसीबे मींस जे 1 आसला 2 आसला 3 आसला 4 आसला 5 आसला सब जने तुम हारुछ ताले 6 नो आसीबार चांस केते 1 2 3 4 5 तो केते स्टूडेंट 5 बाय 6 व्हिच वाज स्टूडेंट 6 आसीबार चांस केते 1 बाय 6 काई तो 6 पडले नि जितु जा तो 6 ओनली गोटे तो 6 आसीबार चांस केते 1 बाय 6 और 6 नो आसीबार चांस केते 5 बाय 6 व्हिच वाज स्टूडेंट एजीरा मन रखो एबे p x 0 तो नो 6 तो गोटे रे भाबले तीनटा लुडो गोटे पकेछ कोथरे भी 6 आसीनी एथरे भी 6 आसीनी एथरे भी 6 आसीनी एथरे भी 6 आसीनी एथरे भी 6 आसीनी तो 6 आसीनी माने या चांस केते 5 बाय 6 5 बाय 6 5 बाय 6 व्हिच वाज स्टूडेंट विनिंग तो तुम्हारा चांसेस होचे 1 बाय 6 माने 6 आसीला तुम्हें जीतिबो हला आउ लूज रो चांसेस केते 5 बाय 6 व्हिच वाज स्टूडेंट एटा लूज रो चांस हला एबे x 0 माने तुम्हारा तीनटा लुडो गुटी जो पकेछ गोटे रे भी कोन 6 आसी नाही तो चांसेस 5 बाय 6 5 बाय 6 5 बाय 6 हला तको मने परिबे ऑन बाय फ्रेंड 5 बाय 6 * 5 बाय 6 * 5 बाय 6 तो टोटल तो मल्टीप्लाई करले फ्रेंड 125 बाय 216 हला एडा फर्स्ट केस होला नेक्स्ट असो फ्रेंड p = x = 1 x = 1 माने तो देखो फ्रेंड t बुझो सेम तीनटा लुडो गुटी अछि तो गोटे रे 6 आछि हला x = 1 माने गोटे रे तुम विन करछ आ ए फर्स्ट केस कोन तो सबथे तुम लूज करथलो x = 0 माने गोटे x होजि कोन नंबर ऑफ 6 6 केतरा आसे छि x = 0 तो फर्स्ट तुम गोटे रे भी 6 आसे ही नथिना तो नेक्स्ट केस रे कोन गोटे रे 6 आसछि तो कोन कहि परे आइदर ए रे 6 आसथिबो नले ए रे आसि नथिबो कोन कोन चांसेस रे परे देखो आइदर ए रे 6 आसथिबो ए रे आसि नथिबो आइदर एथे 6 आसतो एथे आसन तो काय केवल गोटे 6 आसतो तो केतरा केस हला तीनटा डिफरेंट डिफरेंट केस होची 6 आसी वर चांस के स्टूडेंट 1 बाय 6 और 6 नो आसी वर 5 बाय 6 5 बाय 6 इट इज सेम 6 नो आसी वर चांस 5 बाय 6 6 आसी गेला तो 1 बाय 6 6 नो आसला 5 बाय 6 एडि केते 6 नो आसी वर चांस 5 बाय 6 5 बाय 6 यूज केते 1 बाय 6 तो सेम जिस देखो गोटे 1 बाय 6 होची दीटा 5 बाय 6 होची केस केतरा होची तीनटा तो सेति में हम कोन लिखबा 3 * 1 बाय 6 into 5 by 6 into 5 by 6 which was not different different cases fine hame into logic use karu hala to tak hum total simplify kar le as student upar x = 1 tak student 75 5 5 75 75 75 by 216 which was student ela x = 1 by next as student आई होप तुम बुझी पड़छ स्टूडेंट तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो बहुत इजी ही अछि हला तो नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 2 बोली कंसीडर करो तो एक्स इक्वल टू माने तो इमेजिन करो फिर तीनटा बॉक्स अछि माने तीनटा लूडो अछि छले
तो दीटा तो x = 2 माने दीटा 6 আসছে তো আমরা ফার্স্ট কেস এই দিটা 6 আসছে এইতে আসেনি এমতি হই পারে এই দিটা আসছে এইতে আসেনি হ্যাঁ নেক্সট আউড কোন হইছে পারে হ্যাঁ এটা আসছে এটা আসছে এটা আসেনি বুঝছো প্রশ্ন তো তিনটা কেস আসছে তো আসলে চান্স কত 1/6 1/6 এটা কত হচ্ছে 5/6 নো আসলে চান্স 5/6 নো আসলে চান্স ইউ নো লা 5/6 assertions 1/6 1/6 এটি assertions 1/6 assertions 1/6 no assertions 5/6 তো সবুত্র গটি ইনসা দেখো সেম ইনসা আছে দুটো 1/6 আছে গটা 5/6 আছে তো তিনটা কেস আছে তো 3 ইনটু দুটো 1/6 তো 1/6 ইনটু 1/6 আর গটে হচ্ছে 5/6 তো কত হচ্ছে 5 ইনটু 5 ইনটু 1 ইনটু 1 তো 5 3 15 বাই 216 লাস্ট কেস আছে স্টুডেন্ট x = 3 x equal to 3 means tinta is a constant student tinta 6 as the same logic tinta box bana tinta bana 6 as the 3 6 as the 3 6 as the 3 6 as the ebe to question ta ko ago bachu kale bhi same hi asibo to kichi alternate hobo na kan different case thodi hobo ye bhi 1/6 ye bhi 1/6 ye bhi 1/6 ulte ulte likhe same case as to ulte kebal case rahila to found out student 1/6 into 1/6 into 1/6 hala to kete hela student sabra 216 which one student ye hela ebar ko ma tabular format re represent karu plus now the probability now the probability distribution table is represented as to kind of represent karu student तो फर्स्ट लिख दो x लिख दो p ऑफ x कितना केस अच्छी तो 0 1 2 3 तो 0 x = 1 x = 2 x = 3 मैं तो वैल्यू डाल के नोट डाउन कर दिया तो p जब x = 0 है आंसर 125 / 216 1 मिला 75 / 216 2 है ला 15 / 216 3 है ला 1 / 216 ला सब को ऐड करके देखो स्टूडेंट 1 ही आसी होला तो वीडियो को स्क्रीन नोट डाउन कर दे स्टूडेंट अरे बहुत सा दे बोल लो पिक करो अच्छा तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन कौन दी छी ए बैग कंटेन 4 वाइड बॉल्स तो चारटा वाइड बॉल अछि आ छटा रेड बॉल अछि तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना अछि 10 बॉल्स अछि हला फोर बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम हला चारटा बॉल फाइंड करै छी तो टोटल बॉल कितना अछि 10टा हम फाइंड कितना करै छी चारटा तो ये एस केतो स्टूडेंट एस ले हम फाइंड कर पले डायरेक्ट तो एस इज इक्वल टू एस रो मॉड इज इक्वल टू 10 सी 4 व्हिच वन स्टूडेंट एस कैन भला एडी प्रोबेबिलिटी सर कॉम्बिनेशन इज जो फाइंड टोटल बॉल अछि 10टा हम फाइंड करै छी चारटा तो 10 सी 4 10टा रो चारटा हला तो एस फाइंड करै चलो फाइंड द ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ वाइड बॉल्स तो नंबर ऑफ वाइड बॉल्स हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस फाइंड करबो हला तो नंबर ऑफ वाइड बॉल्स कोन कोन हे करबो तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ वाइड बॉल्स तो नंबर ऑफ वाइड बॉल्स को हम x रे डिनोट करछु फ्रॉम द ड्रॉन फ्रॉम द बैग सिंस देयर आर केतरा वाइड बॉल अछि चारटा तो केसेस कोन थ्री करबो तो मतलब जेतरा नंबर ऑफ एलिमेंट छबो ताटू गोटे एक्स्ट्रा केस होबो ऑलवेज के नंबर ऑफ केस वाइड बॉल केतरा चारटा तो x इक्वल टू कोन होबो 0 मींस नो वाइड बॉल तो 1 वाइड बॉल माने 2 वाइड बॉल 3 वाइड बॉल माने 4 वाइड बॉल हला तो चलो स्टडी करते हो देखो पी एक्स इक्वल टू 0 मींस नो वाइड बॉल तो हम कितना मोटे वाइड बॉल नथो माने टोटल 10 तरु तुम बाहर करियो मोटे वाइड बॉल नथो तो यदि मोटे वाइड बॉल नथो तो कितना तो सब बॉल बड़ा कौन थियो तो क्वेश्चन टोटल सिनेरियो को बुझ छोटे तो टोटल बैग रे 10टा बॉल अछि तुमको 4टा बॉल फाइंड करे अछि बुझ पाला टोटल कितना बॉल फाइंड करे अछि 4टा बॉल फाइंड करे अछि हला तो फर्स्ट केस रे x = 0 मींस नो वाइड बॉल गोटे वाइड बॉल नथो यदि गोटे भी वाइड बॉल नथो तहाले सब कौन थियो 6 रेड बॉल नि थियो सब बुढा बुझ पाला स्टूडेंट तो कितना रेड बॉल अछि 6टा तो 6टा रे 4टा कोन आसीबो रेड बॉल ही आसीबो डिवाइड बाय टोटल s केतरा 10 सी 4 तो सॉल्व करले आसला 1 बाय 14 तो एटा केमथि सॉल्व होला समय कॉम्बिनेशन वीडियो रे देखो सेटा केमथि सॉल्व कराय छला नेक्स्ट स्टूडेंट p x = 1 x = 1 माने गोटे वाइड बॉल आसीबो तो वाइड बॉल अछि केतरा 4टा तो 4टा रे गोटे 4 सी 1 into जदि 4टा वाइड बॉल हला तो मु काडियार अछि 4टा बॉल तो गोटे वाइड बॉल अछि तो आ बाकी तीनटा की बॉल हो ओबियसली ग्रीन बॉल हो सॉरी रेड बॉल हो तो रेड बॉल अछि केतरा 6टा तो 6टा रु 3टा तो 6c3 आ तळे तो सेम रहबो 10c4 बुझ पछो स्टूडेंट किछो से नै
ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ବସିଛି ବାଡ଼ି ଗଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଲୁ ଏଠି କଣ ଥିଲା ତମ ଫାମିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ତମର ଚାରିଟା ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଛଅଟା ରେଡ୍ ବଲ୍ ଅଛି ହେଲା ତ ଏସ୍ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଦଶଟା ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ଆମକୁ ବଲ୍ କାଢିବାର ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଅଛି ନୋ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ତ ଯଦି ନୋ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ନଥିବ ତ ସବୁ ବଲ୍ କି ଥିବ କଣ ବଲ୍ ଥିବ କଣ ଥିବ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଥିବ ତ ରେଡ୍ ବଲ୍ କେତେ ଛଅଟା ଛଅଟା ଚାରିଟା ରେଡ୍ ବଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ରହିବ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ କେତେ ଅଛି ଚାରିଟା ତ ଚାରିଟାରୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ହେଲା ଆଉ ତିନିଟା କେତେ ରହିବ ତୁମର ରେଡ୍ ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା ହିଁ ବଲ୍ କାଢିପାରିବ ତମେ ଆଉ କିଛି କାଢିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସ ପି ଏକ୍ସ ସରି p x is equal to 2 means kon to x is equal to 2 means probability of 2 white ball which color 2 white ball to kon hobo student tole same 10 c 4 e hobo 3 ta white ball can compute kare to white ball chetra 4 ta to 4 c 2 to yadi 2 ta white ball hala to aa baki 2 ta kon hobo red ball hobo to red ball ach chetra 6 ta 6 ta ru 2 ta to 6 c 2 नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 3 कौन स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हाइट बॉल तो कौन हो स्टूडेंट तले 10 सी 4 तो तीनटा व्हाइट बॉल तो 4 सी 3 चारटा तीनटा व्हाइट बॉल हेगला तो रेड बॉल केतरा हो 6 सी 1 तो सिंपल कथा व्हाइट बॉल पडले रेड बॉल कमी हो नेक्स्ट लास्ट केस पी एक्स इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 व्हाइट बॉल तो कौन स्टूडेंट तले 10 सी 4 एटा 4 सी 4 लिख पर टोटल चैप्टर चट्टा एटा चाहे लिख परियो जे चैप्टर चट्टा व्हाइट बॉल हो गेला तले तोर रेड बॉल केतरा 6 सी 0 न लिख ले चले तोर खाली लिख परियो 4 सी 4 डिवाइडेड बाय 10 सी 4 बुझ पर स्टूडेंट एबे सेम हिसो हम टेबुलर फॉर्मेट रे लिख दो हला टेबुलर फॉर्मेट लिख दियो एंस नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो कौन हो स्टूडेंट लिख दियो एक्स इक्वल टू एडा पी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू कितना स्टार्ट है सी 0 1 2 3 4 तो पी एक्स इक्वल टू कितना 0 ठीक है तो स्टूडेंट 1/14 1/14 तो स्टूडेंट ये हम सॉल्व कर रहे हैं हम देख ही दो सॉल्व पे डायरेक्ट है x इक्वल टू 1 है तो हमारे पास कितना हो जी 8/21 x इक्वल टू 2 है ले 6/14 6/14 x इक्वल टू 3 है ले 4/35 by 35 ami x equal to 4 le tamar hochi 1/210 la to niye probability solve kari lekhibo to x equal to 1 le kete hela 8/21 x equal to 2 le 6/14 ta pati lekh paribo tamar 3/7 lekh paribo x equal to 3 le 4/35 x equal to 4 le 1/210 bujhlo chula to ye chula tamar probability of distribution I hope student tumhe video re aram se bujh parthibo kichhi nahi khali तब डिफरेंट डिफरेंट केसेस एनालाइज करायचे ताको नेकी टेबल बनायचे सो इजी हला थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट